12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने 1971 में श्रीमती गांधी का लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया था, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्भीक सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रीमती गांधी का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इंदिरा जी को पत्र लिख दिया, साफ साफ लिख दिया है ये इमरजेंसी काउंटर प्रोडक्टिव होगी, इसे तुरंत समाप्त किया जाए। रहा ना डिगा कभी वो हर पल सच के साथ चला, अंधियारा कितना भी छाया दीपक बन दिन रात जला, परहित पर सेवा का प्रण सांसों में उसकी समाया था। ओ, पर सेवा का प्रण सांसों में उसकी समाया था, लिए देश के जीने मरने वो दुनिया में आया था। मुश्किल कितनी भी आई पर सच का साथ न छोड़ा, समय के सीने पर चढ़ उसने रुख दारा का मोड़ा। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का छोटा सा मगर खूबसूरत गांव बुखाड़ी। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को इसी गांव में हुआ। बहुगुणा जी के पिता का नाम था रेवती नंदन बहुगुणा और मां का नाम था पूर्णा बहुगुणा। पिता पटवारी थे। न्याय के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा यदि बहुगुणा जी को अपने पिता से मिली थी तो लोक सेवा की भावना अपनी माँ से। माँ, अरे आ गया है वो बेटा। हाँ माँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बनाती हूँ खाना, जूते तो उतार ले। अच्छा बेटा ये तो बता, आज तूने कितने कांटे उठाए रास्ते से? माँ जितने मिले उठा लिए। माँ तुम मुझे रोज कांटे उठाने के लिए कहती हो और मैं उठा भी देता हूँ, पर माँ तुम मुझे कहती क्यों हो कांटे उठाने के लिए? अरे बेटा तुम तो जूते पहनते हो, तुम्हें तो कांटे चुभते नहीं है। लेकिन बेटा उन लोगों के बारे में तो सोचो जो जूते नहीं पहनते और उन्हें कांटे चुभ जाते हैं, और तुम्हारे कांटे उठाने से ना उन लोगों का भला हो जाता है ना? चल चल हाथ मुंह धो ले खाना। माता पिता के दिए संस्कारों का ही परिणाम था कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी में लोक सेवा की भावना बचपन से ही बस गई थी, जिसे उन्होंने जीवन पर्यंत कभी अपने दिल से न जाने दिया। हेमवती नंदन बहुगुणा बचपन से ही बड़े स्वाभिमानी थे। इन्हीं दिनों की बात है, एक दिन वो अपने पिता के साथ अपने गांव बुघाड़ी से गोचर जा रहे थे। पिताजी कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे बेटा ये कोई पूछने की बात है? अरे घोड़े में तो मेरा बेटा एकदम राजकुमार लग रहा है बेटा। इसी समय उनको सामने से डिप्टी कमिश्नर साहब आते दिखाई दिए जो उनके अफसर भी थे। सामने से मेरे साहब आ रहे हैं, नीचे उतरो। क्या हुआ बाबा, आपको बैठना है क्या? बेटा मुझे नहीं बैठना है, सामने से मेरे साहब आ रहे हैं। अरे साहब आ रहे हैं तो आने दो, मैं क्यों उतरूं? वो मेरे बड़े साहब हैं, समझता क्यों नहीं है? तो उनके सामने घोड़े पे यूं इस तरह है। बाबा
साहब वो आपके होंगे पर मेरे नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। बेटा मैं कहता हूँ नीचे उतर जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात पटवारी साहब, बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं इसको कब से घोड़े से उतरने को कहता हूँ और यह है कि उतरने को तैयार नहीं। बेटे साहब को सैल्यूट करो। क्यों ना आप गुस्सा होते हो उस पर, नहीं सैल्यूट कर रहा तो रहने दो, बच्चा है। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हेमवती नंदन बहुगुणा। और तुम्हारे पिता का? रेवती नंदन बहुगुणा। गांव का क्या नाम है? बुघाणी। भाई वाह पटवारी जी, तुम्हारा बच्चा तो खूब अच्छे जवाब देता है। जी साहब। अच्छा पटवारी जी अभी चलता हूँ। ठीक है साहब। कुछ और गांव में भी जाना है। ठीक है साहब। कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। नेतृत्व करने के गुण बहुगुणा जी में बचपन से ही दिखाई पड़ने लगे थे। कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर? हाँ। तो पिताजी कमिश्नर कैसे बनते हैं? बेटा एक इम्तिहान होता है ICS का, उस इम्तिहान को जो पास करता है वो कमिश्नर बनता है। तो पिताजी एक दिन मैं भी कमिश्नर बनूंगा। अच्छा फिर मेरे को ऐसे घोड़े से नहीं उतरना पड़ेगा। पांचवी के बाद बालक बहुगुणा ने आठवीं क्लास तक की शिक्षा पौड़ी के DAV स्कूल से प्राप्त की। DAV स्कूल में बालक हेमवती नंदन के बहुत से सहपाठी गरीब घरों से आते थे। पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताबें जुटाना तो दूर, उनके लिए स्कूल की फीस देना भी बड़ा मुश्किल होता था। बालक हेमवती नंदन से अपने साथियों की ये पीड़ा देखी ना गई। चलो हो गया, भागो। रुको रुको रुको, क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें सजा ही नहीं दे रखी है। क्योंकि हमने स्कूल की 2 महीने से फीस ही नहीं दी है। अरे नहीं दिए तो अब दे दो। कहाँ से देंगे, हम बहुत गरीब हैं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। यही बात मेरे साथ भी है। अरे तो तुम फीस ही मत दो और मैं तुम्हें अपनी किताबें भी दे दूंगा। अगर फीस नहीं देंगे तो प्रिंसिपल सर हमें स्कूल में ही आने नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं आने देंगे, अगर प्रिंसिपल सर तुम्हें स्कूल नहीं आने देंगे तो फिर मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा कि कल से स्कूल ना आए वो। हेमवती ये क्या बच्चों को भड़का रहा था? सर मैं तो क्या मैं तो नेतागिरी कर रहा है यहाँ पे। अरे बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा तू। हाथ आगे कर, आगे कर हाथ। प्रिंसिपल की मार से उनकी हथेलियां सूज गई थी। इस समय बहुगुणा जी पौढ़ी में अपनी बड़ी बहन दीपा के पास रहते थे। रात को बालक हेमवती नंदन को बहन ने करहाते देखा तो उनकी हथेलियों पर उसने मरहम लगाया। मैं मरहम लगा रही हूँ ना, भूख मार रही, इसलिए जलन मच रही है मेरे बहुत ज्यादा। पौढ़ी से आठवीं उत्तीर्ण कर बहुगुणा जी आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून आए। ऊंची शिक्षा हासिल कर हेमवती नंदन बहुगुणा का एक ही सपना था, ICS की परीक्षा पास कर सरकार में बड़े से बड़ा अफसर बनना। और पढ़ाई कैसे चल रही है? बस अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रही है। अच्छा। अरे ये तो अपना ही हेमू है। क्या हेमू, तू तो बड़ा पढ़ाकू हो गया है। मालूम है तुझे पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है, लेकिन तू तो अपने दोस्तों को ही भूल गया। अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहा है, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं अभी 2 दिनों में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना। हाँ हाँ एग्जाम तो भाई बस तेरे ही है, जैसे हमारे तो है ही नहीं। और ये क्या है, ये दिखा, हेमवती नंदन बहुगुणा ICS। अरे वाह मालूम है भाई ICS बनना तेरा सपना है, लेकिन तूने तो अभी से अपने नाम के आगे ICS लिखना शुरू कर दिया। ताकि मैं भूलूँ ना कि मुझे ICS बनना है। भाई लोगों जिसको जो बनना है बने, लेकिन सबसे पहले शहीद भगत सिंह की लिखी ये किताब जरूर पढ़ ले। शहीद भगत सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में क्या क्या कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, ये रखने के लिए नहीं पढ़ने के लिए दी है।
अपना देश गोरों का गुलाम है। बड़ा अफसर बनने का सपना देखो और जरूर देखो, लेकिन ये भी सोच लो कि बड़ा अफसर बनने के बाद अपने देश की नहीं गोरों की ही चाकरी करोगे। हाँ हाँ भाई सही कह रहा है। बहुगुणा जी ने भगत सिंह की किताब क्या पढ़ी, उनके भीतर जैसे सब कुछ बदल सा गया। आईसीएस बनने का सपना जाने कहां खो गया और उसकी जगह एक ही ख्वाब उनकी आंखों में समा गया, अपने देश को ब्रिटिश हुकूमत की दास्तां से मुक्त करने का। हाई स्कूल की पढ़ाई कर बहुगुणा जी ने इलाहाबाद शहर का रुख किया। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम स्थल इलाहाबाद उन दिनों भारत की आजादी के आंदोलन की धड़कन था। पूरा इलाहाबाद आजादी के आंदोलन के रंग में रंग गया था। बहुगुणा जी ने इसी माहौल में इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ बहुगुणा आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। देश के लिए मर मिटने के लिए जो चिंगारी उनके भीतर देहरादून में सुलगी थी, इलाहाबाद में उसने ज्वाला का रूप धारण कर लिया। 1941 में बहुगुणा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बने। इसी दौरान बहुगुणा जी जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सर तेज बहादुर सप्रू और लाल बहादुर शास्त्री सरीखे भारत की आजादी की लड़ाई के महान नायकों के संपर्क में आए। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया तो हेमवती नंदन बहुगुणा पूर्ण रूप से छात्र राजनीति के नायक बनकर सामने आ गए। मित्रों वह समय आ गया है जब अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। सभी विद्यार्थियों को एकत्रित करना है और एकत्रित करके हम लोगों को सड़कों पर आना है। आजादी के इस आंदोलन को गांधी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों को और तेज करना है। हाँ, हाँ, हम सब साथ हैं। शास्त्री जी का दिशा निर्देश मिल चुका है और शास्त्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम सभी लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से आजादी के इस आंदोलन को। मित्रों कैसा चल रहा है? अब समय आ चुका है इन अंग्रेजों के अत्याचारों से हमें लड़ना है। अब हमें इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर करना है। हमें गांधी जी के पदचिन्हों में चलते हुए अपने देश को आजाद कराना है। हमारी मातृभूमि अब ललकार रही है कि इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। समय आ चुका है मित्रों, अब अपने अपने कमर को कस लो नौजवान भाई, मिल करके इन अंग्रेजों को बाहर दौड़ाना है। भारत की आजादी का आंदोलन अपने उरूज पर था। बहुगुणा गोरी हुकूमत की आंख की गिरगिरी बने हुए थे। तंग आकर हुकूमत ने बहुगुणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रख दिया। बहुगुणा जी हम सब कब तक छिपते छिपाते रहेंगे? बहुगुणा जी हम पर नजर रखी जा रही है। बहुगुणा जी बहुत शक्ति हो गई है। आप सभी सही कह रहे हैं, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई है और हम सबों का अब इलाहाबाद में रहना ठीक नहीं है, तो हम सब अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे शहरों में जाकर जी बसते हैं। दिल्ली में वो कुछ दिन छिपे रहे, लेकिन आखिरकार दिल्ली में जामा मस्जिद के पास से बहुगुणा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर बहुगुणा जी को इलाहाबाद लाया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने बहुगुणा जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लगभग 2.5 वर्ष बहुगुणा जी इलाहाबाद और सुल्तानपुर की जेलों में बंद रहे, लेकिन इस कारावास के दौरान बहुगुणा जी बहुत बीमार हो गए। 1945 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुगुणा जी ने अपनी जन्मभूमि गढ़वाल में शरण ली। गढ़वाल से लौटे तो ये वो समय था जब आजादी की सुबह का सूरज निकलने की आहट हर एक भारतवासी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। हेमवती नंदन बहुगुणा अब एक नए भारत का सपना देखने लगी। आनंद की इस बेला में उन्होंने कहा, आजादी की सुबह बड़ी आशाएं लेकर आई है, समय आ गया है, अब हमें
आजादी के आंदोलन के समय किए गए संकल्पों को पूरा करना है। करोड़ों लोग हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। संक्रमण काल के इसी मधुर बेला में बहुगुणा जी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाली अपनी साथी कमला त्रिपाठी के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। उनकी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा। इस अभाव की स्थिति में सरकारी नौकरी करने का प्रस्ताव भी उनके पास आया, लेकिन उनकी इस सब में रुचि नहीं थी। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कमला, मैं व्यापार नहीं करना चाहता, मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात तो कीजिए ना, जो आपका मन चाहता है वही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। फैसला हो गया था, अब बहुगुणा जी को क्या करना है। बहुगुणा जी भली भांति समझते थे कि कांग्रेस की जड़ गरीब जनता, खेतीहर किसानों और मजदूरों के बीच है। यदि कांग्रेस का सच्चा सिपाही बनना है तो पहले मजदूरों, किसानों तथा आम जनता से जुड़ना होगा। सबसे अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कहते थे, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती तब तक इस समाज का सुधार नहीं होगा, तब तक यह आजादी अधूरी रहती थी। हम लोग आपस में बात किया करते थे बहुगुणा जी। यहाँ पर जितने मजदूर संगठन थे उन सबके वो लोकप्रिय नायक बन गए। वो सब जितने मजदूर संगठन थे सब अपने यहाँ उनको अपना अध्यक्ष बनाने के लिए आतुर हो गए। बहुगुणा पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कम्युनिस्टों से मजदूरों का नेतृत्व छीना। मजदूरों के और मालिकों के आपसी झगड़े को निपटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हजारों हजार मजदूरों ने उस समय केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश के नेतृत्व से मांग की थी कि बहुगुणा जी को आप टिकट दीजिए करछना से। 1951-52 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव हुए। हेमवती नंदन बहुगुणा ने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के करछना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से विजयी हुए। जो शोषित थे, जो कहीं दलित थे, जो कहीं प्रताड़ित थे, जो कहीं अभाव की जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने मांग की थी कि हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमारे लिए संघर्ष करे, जो हमारे लिए कार्य करे। 1957 में बहुगुणा उत्तर प्रदेश श्रम और उद्योग मंत्रालय के पार्लियामेंट्री सचिव नियुक्त हुए और फिर इसी मंत्रालय में उपमंत्री का दायित्व भी संभाला। 1967-68 में बहुगुणा उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रहे। बहुगुणा जी में एक कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व को सबको साथ लेकर के विकसित करने की अंतर भावना थी। लोगों के बहुत बड़े मददगार थे। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई समस्या लेकर के आता था और उसको समझते थे कि इसे किया जा सकता है, तो उसमें कोई देर नहीं करते थे और तुरंत उस आदमी की मदद करते थे। बहुगुणा जी की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो फॉरवर्ड लुकिंग था, लेकिन सामने देखने के साथ साथ जड़ों पर भी सही उचित ध्यान देता था और जिसकी सारी कोशिश ये थी कि जो व्यवस्था है वो गहराई तक आम आदमी के जीवन को छुए और उसको परिवर्तन करने में सक्षम रहे। ये बहुगुणा जी की संगठनात्मक कुशलता का ही परिणाम था कि 1971 में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी होकर सत्ता में आई। संगठनात्मक भूमिका में उन्होंने उस समय एक बहुत ही मूल मंत्र दिया था और वो मूल मंत्र इंदिरा गांधी जी ने पूरी तरह से उसको कैश किया। वो नारा बहुगुणा जी का दिया हुआ था कि इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है, गरीबी भगाओ, गरीबी हटाओ, क्योंकि बहुगुणा जी उस सोशलिस्टिक जो उनका मंत्र था, जिसके प्रति उनका कमिटमेंट था, उसको कभी नहीं भूले। और 71 में जब इंदिरा गांधी आती हैं तो उन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को जिनका की रूपरेखा बहुगुणा जी निर्मित कर रहे थे, इंदिरा जी उसी को आगे बढ़ा रही। लोगों में ये आम धारणा थी कि केंद्र में अवश्य ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जाएगा, लेकिन उन्हें केवल राज्य संचार मंत्री बनाया गया। राज्य संचार मंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही बहुगुणा जी ने घोषणा की, मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ। बहुगुणा जी के व्यक्तित्व में
गांधी का चिंतन, नेहरू का विजन, शास्त्री की शालीनता, पटेल की दृढ़ता समाहित थी और यही कारण है कि उनकी राजनीति का केंद्र में बिंदु गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, पिछड़ा और अगड़ा सभी मिलाकर के क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में वेतन व सुविधाओं को लेकर पीएसी और पुलिस का विद्रोह आजादी के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने बहुगुणा जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 1974 में जब मुख्यमंत्री होकर के आए तो यहाँ पर जो है पुलिस वाले काफी दिक्कत डाल रहे थे और सारा काम इधर उधर ठप, कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं मालूम हो रहा था। उन्होंने आकर के सब संभाला और इनके यूनियन के लोगों से जो है बात की। 1974 के चुनाव में बहुगुणा जी की लहर थी। बहुगुणा जी ने विधानसभा चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने। बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन में अभूतपूर्व सुधार किए। बहुगुणा जी जानते थे आम आदमी को लोकतंत्र का लाभ मिले इसके लिए आवश्यक है एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली, एक प्रैक्टिकल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम लोग उनको मानते थे। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एफिशिएंट एंड वेरी एक्टिव चीफ मिनिस्टर। उनका जनसंपर्क देखने लायक था और कभी भी किसी को ये मना नहीं करते थे कि तुम मेरे पास नहीं आओ या मेरे पास समय नहीं है या मैं सो रहा हूँ इस समय मत आओ। उनका द्वार हरदम खुला रहता था और सभी लोग आते थे मिलने। एक जैसे एक रिसेप्टिविटी होती है लोगों में कि भाई आइए, हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हो गए कि चीफ मिनिस्टर बन गए इसलिए हम मिलेंगे नहीं। तो एक आम आदमी की तरह वो रहते थे, आम आदमी की तरह नेता थे। दफ्तर में भी काम करते थे, मिलते भी थे, सैकड़ों लोगों से रोज़ मिलते थे, अपॉइंटमेंट देते थे, बिना अपॉइंटमेंट के आए हुए लोगों से मिलते थे, घर पर सैकड़ों लोगों से मिलते थे, सबकी बात सुनते थे, कहीं इरिटेट नहीं होते थे, सब काम करते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही डायनेमिक व्यक्तित्व था। उनकी कार्यशैली में ऐसी बहुत सी खूबियां थी जो लोकतंत्र को सही अर्थों में आम आदमी से जोड़ती थी। हमें एक जो एक सिद्धांत चाहते थे हम लोग अपना है वो ये था कि आप अपने ऑफिस में मत बैठिए, आप गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करिए, उनकी समस्याएं सुनिए। ऑफिस में बैठकर काम नहीं हो सकता ज़िला प्रशासन का, तो ये हम लोगों ने सीखा उनसे। समस्याओं को आप जो ही शुरू करते थे कोई बात उनको बताना, वो इमीडिएटली उसे पकड़ लेते थे और उसकी पूरी की पूरी समस्या समझने के अलावा उसका निदान क्या हो सकता है वो भी तुरंत उनके दिमाग में आ जाता था। वो बड़े ही इंटेलिजेंट, बड़े शार्प एडमिनिस्ट्रेटर थे। शाम को जो फाइल उनके कार्यालय, उनके दफ्तर में या घर पे जाती थी, सवेरे उनके हाथ से लिखा हुआ उस पे नोट या जो आदेश होते थे बिल्कुल स्पष्ट और दस्तखत किए हुए हेमवती नंदन, पूरा दस्तखत करते थे, इनिशियल भी नहीं करते थे, वो फाइल वापस आ जाती थी। अक्सर कहा करते थे कि जो फाइल मुख्यमंत्री या मंत्री के पास 3 दिन से ज़्यादा रुक जाए वो फाइल जो है वो बदबू करने लगती है। बहुगुणा जी का जीवन आम आदमी के लिए था। वो उस सिद्धांत पर चलते थे कि गरीबों को जो आप उधार कर सकें अधिक से अधिक करें, अगर रूल्स भी बदलने हों तो रूल्स भी बदलें पर गरीबों का ध्यान हरदम रखें। बेशक वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे लेकिन उनकी ख्याति देश भर में और देश के बाहर भी फैली थी। उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रही थी। बहुगुणा जी वैश्विक भी थे, बहुगुणा जी राष्ट्रीय भी थे और बहुगुणा जी मोहल्ले और घर के एक एक बच्चे को भी जानने वाले थे और सबसे ज़्यादा उनकी स्मरण शक्ति थी। पता नहीं हजारों सैकड़ों नाम उन्हें याद थे। 2 बार 3 बार किसी से मिल लें तो भीड़ में चिन्हित करके नाम लेकर पुकार लें और ज़्यादा न भी मिल पाए तो पीठ पर हाथ रख दें। कोई भी उनके दरवाजे पे आए मैंने नहीं देखा उसको वो बाहर से वापस कर दें, उनमें ये नहीं था क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे।
तो ये जानते थे कि वही आएगा जिसको तकलीफ होगी, और उनने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि जो भी आया उनके दरवाजे पे कि उसकी तकलीफ को है, उसके जो मुसीबत है उसको दूर कर सके। लेकिन उनकी ये लोकप्रियता उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने बहुगुणा जी के विरुद्ध श्रीमती गांधी के कान भरने शुरू कर दिए और अपने षड्यंत्र में वो कामयाब भी हुए। पॉलिटिक्स में ये जो एक लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी का सवाल आ जाता है उसमें काफ़ी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि लॉयल्टी विद द नेशन एंड लॉयल्टी विद द लीडर, ये जब गड़बड़ आ जाती है तो बहुगुणा जी ने नेशन को, वतन को ज़्यादा अहमियत दी बनिस्बत की लीडरशिप को, और उसमें उनके जो है मतभेद हो गए थे। जितना बड़ा उनका कद था उतना न्याय उनके साथ बहुगुणा जी के साथ नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद इत्यादि जो नेता थे, या कांग्रेस में जो नीलिंगप्पा, एस के पाटिल ऐसे लोग आंचलिक पुरोधा थे, वह लोग नेहरू जी को उनमें से कई लोग जवाहर कहते थे, जैसे विधान चंद्र राय इत्यादि। तो बहुगुणा जी उसी फसल के व्यक्ति थे जो नेता जरूर मानते थे इंदिरा जी को, लेकिन उनका अपना एक मिजाज था, अपना स्वाभिमान था और अपना एक काम करने का तरीका था, जो वो ठीक समझते थे वही करते थे। इंदिरा जी और उनके बीच में मतभेद पैदा हुआ वो भी असूलों के ऊपर था, और वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रूप से और जनता के लाभ को देखते हुए काम करें। तो वो अगर कोई ऊंच ऊपर से कोई निर्णय भी आता था उस समय की प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखने के पहले उन्होंने कंसल्ट नहीं किया अपने मुख्यमंत्रियों को, किसी को नहीं कंसल्ट किया। लेकिन जब इमरजेंसी लागू हो गई तो पिताजी को बहुत पीड़ा हुई इस बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और कांग्रेस के ये मान्यताएं और वो नहीं थी आधार जिस पर पार्टी बनी थी। ये बातें चल रही थी इमरजेंसी की और ठोस कार्रवाई करने की, तो बड़ा हम लोग को समझाते थे वो कि देखिए इमरजेंसी तो है परंतु आपको निर्णय अपने विवेक से लेना है। इसलिए हम उनको बहुत एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं जैसे कि एक पिता समान थे वो हम लोगों के सिविल सर्वेंट्स के। लोग बात करने में डरते थे, कोई भी बात नहीं कर सकते थे। अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती थी, मान लीजिए साधारण किसी व्यक्ति की, तो उसके कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अरे भाई आज देखो उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर इस तरह के आतंक का वातावरण रहेगा तो लोग क्या करेंगे। जब उसका अवसर आया तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। आपातकाल में सरकार से विद्रोह करना या सरकार से विद्रोह करने वालों की मदद करना खतरे को दावत देना था, लेकिन बहुगुणा जी ऐसे खतरे उठाने में कभी पीछे नहीं हटे। जब जिसको जरूरत पड़ी उन्होंने आगे बढ़कर उसकी सहायता की। कहां चले गए थे आप? राम नरेश कुशवाहा जी के घर पैसा भिजवाने। मगर वो तो जेल में है ना? हाँ, जेल से उनकी चिट्ठी आई है। उनके जेल में जाने के बाद उनके परिवार का सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोनों बेटियां उनकी इलाहाबाद से ही ट्रेनिंग कर रही हैं, और फीस ना दे पाने के कारण उनकी ट्रेनिंग मुश्किल में पड़ सकती है। दिन ब दिन हालत खराब होते चले जा रहे हैं, सरकार की इज्जतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अब मुझे कोई कदम उठा। का मूवमेंट शुरू हुआ, जब जयप्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए तो स्वर्गीय पिताजी ने
उनको एस्कॉर्ट दे दिया देवरिया के पहले, और कहा सर्किट हाउस में रुक सकते हैं। ये बात दिल्ली में फिर लोगों ने उनको बहुत समझाया उगाया कि साहब देखिए जो आपके खिलाफ इतना आंदोलन कर रहे हैं उसको बहुगुणा जी ने एस्कॉर्ट दे रखा है, सर्किट हाउस दे रखा है। और जब जयप्रकाश नारायण लखनऊ में आए तो उन जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, और जयप्रकाश जी ये बात कह करके वापस भी चले गए, उनका कोई आंदोलन यहाँ पर हुआ भी नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बात को हमारे उस समय के कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने गलत ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, और ये कहा गया कि देखिए आपके धूल विरोधी जयप्रकाश, जो जयप्रकाश नारायण चारों ओर घूम घूम करके इंदिरा जी के विरुद्ध भाषण कर रहे हैं, वो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और अस्थिर का सरकार को अस्थिर बनाना चाहते हैं, उनको स्टेट गेस्ट बना दिया। बहुगुणा जी का श्रीमती गांधी से टकराव बढ़ा तो उन्होंने 28 अक्टूबर 1975 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। हालात आपसे छुपे नहीं हैं, मेरे लिए अब इस पद की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुझे लगा मेरे लिए इस्तीफा देने का समय आ गया है और मैंने इस्तीफा दे दिया। 18 जनवरी 1977 को सरकार ने नए चुनाव की घोषणा की तो बहुगुणा जी को लगा कि अब महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है, और उचित समय आ गया। यही वो महत्वपूर्ण क्षण थे जब हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने निर्णय लिया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और एक नई पार्टी का गठन करेंगे, अपने सिद्धांतों और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने अपनी नई पार्टी का नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि कांग्रेस का गठन किस लिए हुआ था? कांग्रेस का गठन डेमोक्रेसी के लिए हुआ था, उस जन की आवाज को आगे रखने के लिए, बुलंद करने के लिए उस कांग्रेस का गठन हुआ था। वो उस कांग्रेस में थे, तो जब वो कांग्रेस नहीं रह गई तो उस कांग्रेस से निकल गए, क्योंकि बहुगुणा उस कांग्रेस में रहना चाहते थे जहां जन आगे है, नेता पीछे है। दिल्ली पहुंचते ही बहुगुणा जी ने नई पार्टी के लिए समीकरण तैयार करना शुरू कर दिया। बहुगुणा जी ने बाबू जगजीवन राम, नंदिनी सत्यपति और देश के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और 2 फरवरी 1977 को एक नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम बने। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पश्चात चुनाव कराने की घोषणा की तो विपक्ष ने तो कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहुगुणा जी कांग्रेस से निकल कर आए, जगजीवन राम जी भी साथ आए, लेकिन बहुगुणा जी ने नेतृत्व में पहला कदम उठाया और उनका ये पहला कदम सब में आशा की किरण भर देता है। वो लोग जो डरे हुए थे उनमें सब में आशा की किरण हुई और एक संचार हुआ पूरे भारत में कि उनको इंदिरा गांधी के इन कदमों के विरोध में, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत का लोकतंत्र, न्यायपालिका, विधायिका, जितने भी स्तंभ हैं, यहाँ तक कि आपका प्रेस, सबकी आज़ादी कुचल दी थी, लेकिन लोगों में एक नई चेतना कब आई? नई चेतना आई जब बहुगुणा निकल के बाहर कांग्रेस में आई। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने नवगठित जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल की। ये कोई साधारण जीत नहीं थी बल्कि तानाशाही के ऊपर लोकतंत्र की जीत थी। भारत के आवाम को लगा था जैसे उन्हें दूसरी आजादी मिली। जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में हेमवती नंदन बहुगुणा रसायन तथा उर्वरक मंत्री हुए। आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूटी तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने
और हेमवती नंदन बहुगुणा उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हुए। चौधरी साहब का भी एक अप्रोच था विशेष, और उस अप्रोच से पूरी तरह से वो सहमत नहीं थे और बदलने की शायद गुंजाइश नहीं दिख रही थी उन्हें। कोशिश किया उन्होंने अपनी बातें लाने की और ब्रॉड बेस बनाने की बीकेडी को, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए और उसमें चौधरी साहब की मर्जी नहीं हो पाई। जिन एजेंडा पर हम सरकार में आए हैं और सरकार बनाने का हमने फैसला लिया है लोगों के लिए, लोगों से, लोगों के द्वारा, हम उससे नहीं डिगेंगे। और जब लोग उससे डिगने लगे तो बहुगुणा जी ने उनको छोड़ा, सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। अपने सिद्धांतों को लेकर बहुगुणा जी की चौधरी चरण सिंह से नहीं बनी तो आपसी मतभेदों को भुलाकर हेमवती नंदन बहुगुणा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी के परचम तले उन्होंने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। छोटा कार्यकर्ता भी और मध्यम वर्ग का नेता भी और बड़ा व्यक्ति भी, उनके अंदर जो एक वार्मथ थी, एक उष्णता थी उनके व्यवहार में, उसके कारण बहुत लोग अपने आप को उनसे संबद्ध मानते थे। और इसी मानसिक और वैचारिक संबद्धता का पूरा लाभ उन्होंने 80 के दशक में बिखरी हुई कांग्रेस को इकट्ठा करने की दिशा में दिया। बहुगुणा जी कांग्रेस पार्टी में तो आ गए, लेकिन उन्हीं लोगों को फिर से उनका कांग्रेस में आना पसंद नहीं आया जिनके षड्यंत्रों के रहते 1975 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पर उन लोगों के कहने में आकर जब श्रीमती गांधी ने भी उनके प्रति अपना रुख बदल लिया तो उनके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे प्रतिकूल वातावरण में कैसे बना रह सकता था। ऐसे समय पर उन्होंने अपनी सीट लोकसभा की छोड़ी और दोबारा चुनाव लड़ने का साहस किया जब इंदिरा गांधी जी अपनी पॉपुलैरिटी की, लोकप्रियता पे, शक्ति के उर्स पे थी, कह सकते बिल्कुल जैसे चरम पर थी। और तब उन्होंने ये मानकर कि अगर मैंने पार्टी छोड़ी है तो मुझे पद भी त्यागना चाहिए, ये बहुत बड़ा त्याग था और बहुत बड़ा उन्होंने रिस्क भी लिया अपनी लाइफ में। जब जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद क्या 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 कोई उन्होंने लाभ का पद लिया, कहीं लाभान्वित हुए? नहीं। उन्होंने अगर पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे एक विशेष दल से, जब उसको छोड़ा तो उन्होंने उस पद से जो लाभ लिया था लोकसभा के पद का, उसको भी छोड़ा। और बहुगुणा जी मिसाल हैं पूरे भारतीय राजनीति में। आज लोग अपना छोटा सा पद नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बहुगुणा जी ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट। इसके पहले केवल आचार्य नरेंद्र देव जी थे जिन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्लियामेंट आचार्य नरेंद्र देव जी जीत कर नहीं आए, बहुगुणा जी जीत कर आए। और बहुगुणा जी जैसे शख्सियत को रोकने के लिए इंदिरा गांधी की पूरी आंधी, 34 नुक्कड़ सभाएं इंदिरा गांधी ने की। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद बहुगुणा जी ने अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर आधारित जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और 1981 में अपने ही द्वारा खाली की गई गढ़वाल संसदीय सीट से फिर से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि बहुगुणा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना लिया। इंदिरा जी ने उसको बड़ा प्रेस्टीज इशू बनाया। 9 मुख्यमंत्री वहां कैंप किए पूरे उत्तराखंड में, और पुलिस हरियाणा से आई। उनका उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पुलिस हरियाणा से आई। चुनाव हुआ, बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई और इतिहास में पहली बार हुआ कि मतगणना के पहले पूरा चुनाव रद्द हुआ। मैं वकील था, आता था, कमीशन में बहस करता था। 2 काउंटर मांड हुआ, फिर चुनाव हुआ, वो जीते। तो वो मास लीडर थे, वो उनकी राजनीति जो थी बड़ी स्वच्छ थी, पारदर्शी थी। हमारे देश में योग्यता माता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी कॉन्स्टेंट। वो इतने मेधावी थे बहुगुणा जी कि जब वो आते थे तो छा जाते थे, उनके सामने सारे अन्य लोग बौने हो जाते थे, तो सारे बौने मिलकर उनको हिलाते थे और इसका लाभ जो है कांग्रेस वाला कमान लेता था। बहुगुणा जी चुनाव लड़े और जीते। गढ़वाल के उपचुनाव ने लोकतंत्र के झंडा बरदार हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिष्ठा को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये बहुगुणा जी का ही व्यक्तित्व था। देखिए, सत्ता हो, लाल बत्ती हो और पूरा राज्य शक्ति, राज शक्ति आपके साथ हो, तो बहुत चापलूसों की, मतलब परस्तों की, गरज परस्तों की भीड़ हो जाती है। लेकिन सत्ता ना हो, सत्ता की जगह संघर्ष हो, इस बात का भय हो कि आप साथ दिखेंगे तो कहीं आप
का नुकसान ना हो जाए, फिर भी लोग साथ ना छोड़ें, वह नेता की असल पहचान होती है। उन्होंने कोई घर नहीं बनाया अपना, ये देखिए इतना बड़ी राजनीतिक करियर, इतने पदों के बाद भी एक भी उनका अपना घर नहीं था। अडिग रहा ना डिगा कभी वो हर पल सच के साथ। बहुगुणा जी कभी जीते तो कभी हारे भी, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अपने सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते हुए वो सदैव अपने देश और समाज के लिए समर्पित रहे। अंधेरा कितना भी छाया दीपक बन दिन रात जला, परहित पर सेवा का प्रण सांसों में उसकी समाया था। जनाभिमुख व्यक्ति थे सच्चे अर्थों में, इसलिए लोगों से जुड़ना, लोगों के दुख दर्द को समझना, उनकी बातों उनको केवल इस्तेमाल न करना अपने लिए बल्कि उनके लिए कुछ करना, उनको रास्ते देना, उनके विकास की संभावनाओं को विकसित करना, ये सब काम उन्होंने किया। ये बहुत बड़ा भारी गुण है ये, जो राजनेताओं में नहीं होता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हों तो आप जनता और देश की भलाई के लिए आपको समर्पित होना चाहिए, उसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, अगर आवश्यक हो तो उसके लिए त्याग भी करना चाहिए। ये मूल रूप से बहुगुणा जी के जीवन का संदेश। बहुगुणा जी हमेशा कहा करते थे, बाहर चाहे ले जाए हमसे रंगे हयात, हमारा खूने जिगर है हर चमन के लिए। अपने इसी जज्बे को उन्होंने हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखा। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो बहुगुणा जी की शख्सियत जो थी वो इसी तरह के लोगों में से थी कि सदियों में एक हेमवती नंदन बहुगुणा पैदा होता है। हम और हमारे जैसे जाने कितने लोगों को जिनका कोई परिचय नहीं था, जिनका कोई पारिवारिक संस्कार नहीं था, उनके अंदर एक प्रतिभा थी, किसी बात पर वो जैसे हंस मोती चुनता है वो उस तरह से एक स्पार्क देखते थे और उस स्पार्क को चिन्हित कर वो प्रोत्साहित करते थे। हिमालय पुत्र बहुगुणा जी की आंखों में अभी तो अपने देश के भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे जिनमें उन्हें रंग भरना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। देश सेवा के जुनून में वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हुए और उनकी दिनचर्या में आई अनियमितताओं ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। जब वो जाने लगे भारत से अपने चिकित्सा के लिए अंतिम बार, जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत देर तक खड़े होकर ज़मीन की ओर देखते रहे, और मैं एयरपोर्ट में जाने से पहले घर से निकल जब हम लोग निकले हैं तो उन्होंने माटी उठा के धरती के अपने माथे पे लगाई। तो ये उनका भाव कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, भारत की माटी से बड़ा कुछ नहीं, ये भाव उनका ऐसा है जो हृदय को छूने वाला ही नहीं है बल्कि जिसने हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी किया है। अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन राष्ट्र के लिए भी जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। रहा ना डिगा कभी वो हर पल सच के साथ चला, अंधेरा कितना भी छाया दीपक बन दिन रात जला।
पर हित पर सेवा का प्रण सांसों में उसकी समाया था। पर सेवा का प्रण सांसों में उसकी समाया था। लिए देश के जीने मरने वो दुनिया में आया था। मुश्किल कितनी भी आई पर सच का साथ न छोड़ा। समय के सीने पर चढ़ उसने रुखदारा का मोड़ा।